एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। हमने कैपेसिटर में भी किया था, कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। सेम सोलेनोइड या इंडक्टर में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एक सोलेनोइड कंसिडर कर लो, सोलेनोइड का एरिया ए है, लेंथ एल है, करंट आई है, तो बी का फॉर्मूला सोलेनोइड में बी इज म्यू नॉट एन आई, यहाँ से आई आ गया। सोलेनोइड में एल क्या होता है, हमने ये किया था सॉल्व, अगर आपको याद हो तो ईएमआई चैप्टर में सेल्फ इंडक्शन की डेरिवेशन थी। तो सोलेनोइड की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर, एल की जगह ये टर्म पुट कर देंगे, आई की जगह ये टर्म पुट कर देंगे। तो जब मैं ये वैल्यूज को पुट करूंगा तो ये देखो एल की जगह और आई की जगह, तो ये एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी का सिंबल बड़ा यू होता है, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल छोटा यू होता है। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड क्या है, एरिया इनटू लेंथ से डिवाइड कर दो। तो इस एनर्जी को ए एल से डिवाइड कर दो, ए एल ए एल कैंसल, आंसर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी इन अ सोलेनोइड इज हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कर दिया तो एनर्जी डेंसिटी आ गई। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी की थी, ये थी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस चैप्टर में जो ई काम करता है वो काम कौन करेगा, बी, और जो एप्सिलॉन नॉट करता है वो वन बाय म्यू नॉट, इसकी जरूरत नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है और मैग्नेटिक भी है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है।